आप सभी का स्वागत है कुल अवतार गेमिंग पे। सो दोस्तों, आज एक न्यू गेम ट्राई करने वाले हैं और इसका नाम है माइक्रो सर्वाइवर टाइनी वर्ल्ड। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, 6 तरह का कैरेक्टर मिलेगा चूज करने को पहले आपको, तो देख लेते हैं सबको। सो सबका यार अलग सा कैरेक्टर है, उसके साथ एक स्टोरी लाइन भी दिया है छोटा सा, तो आप चाहो तो उसको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ के देख सकते हो। सो गाइस, शुरू करते हैं। मैंने पहला वाला चूज किया है कैरेक्टर, तो देखते हैं अब क्या दिखाता है। सो स्टोरी लाइन शुरू हो चुका है, जस्ट ऑर्डर इट। ठीक है, पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसमें से अच्छा अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो गया है, तो उस गड़बड़ी के कारण बाकी जो था वो सारा स्मॉल बन चुका है। चूहा को करने गया था, खुद हो गया सर। सही है, तो चूहा तो मुझे दिखा नहीं लेकिन बाकी सब दिख रहा है। मकड़ी जाली फेंक रहा है तो बोल रहा है भागने को। चलो भागते भाई, जो सबको जाली फेंक के पकड़ रहा है भाई, खतरनाक आइडिया है इसका। तो ऐसा मकड़ी तो पहली बार देखा हूँ मैं। चाहिए सीढ़ी बना अपना ब्रश। अब मोहतरमा आ गया है बचाने को। कोई भी गेम शुरू होने से पहले भाई कोई ना कोई पहले से रेडी रहता है आपको बताने के लिए क्या करना होगा नहीं करना होगा। ऐसा ही है, क्या हो गया, बच तो गया। अच्छा ये बताया क्या करना है, तो इस पीछे दिख रहा है जाली में कोई फंसा हुआ है, कीड़ा बीटल जैसा लग रहा है, तो इसको शायद बचाने को पड़ेगा लगता है। देख लेते पहले क्या बोलना चाहते हैं। ओ बेसिकली ये बता रहा है कैसे क्या हुआ है, अभी एक्सपेरिमेंट कैसे ये हो गया था ख़राब, तो उसमें ये भी था शामिल, तो आपको लैब ढूंढना पड़ेगा, वहाँ जाके फिर से आपको बड़ा होने का सिस्टम पता चलेगा। तो उसको खेलना, उसको लिए पहले सर्वाइव करना पड़ेगा। तो पहले आपका कैरेक्टर शुरू हो जाए चैप्टर टम्बलिंग नाइट। पहला चैप्टर शुरू हो चुका है। और तो पहले क्या बोल रहे हैं, रेस्क्यू करने को। चलो भाई रेस्क्यू करते हैं। तो मिल चुका है पहला कीड़ा। सही है भाई, नाम से पता चल गया होगा आपको, टाइनी वर्ल्ड मतलब समझ गए होंगे, माइक्रो सर्वाइवर। चलिए क्या दिखा रहा है, क्या नया चीज़ दिखा है उसमें से, और इसमें से अलग क्या चीज़ है, उसमें से घास मिले इसमें। अच्छा चाहिए, इसमें दो तरह का चीज़ मिलता है। अच्छा अच्छा, तो ये कैन बनेगा मेरा बेस। सही है भाई, अपना घर बनेगा ये, देखते हैं। ओ तेरी, ये तो पूरा ही घर बन गया भाई। अच्छा है, छत वगैरह एकदम परफेक्ट भाई, मज़ा आ गया। क्या करें, रिपेयर करने को बोल रहा है रेलिंग। ठीक है, सबसे बचना करके लेवल 2 का से। चलो हो गया अंदर है, और इसको मैचेस कितनी भाई, चलो सही आइडिया है भाई, कोई मजा आ गया वाला। आग जला दिया भाई इसको, तो अपना सीन ठोक के मैचेस जला चुका है, तो रात के लिए सेफ्टी रहेगा। तो फ्रेंड्स को हमेशा ये करना होगा। तो पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका, क्या बात है। तो ट्रैवलिंग नाइट ख़त्म भाई, पहला चैप्टर रिवॉर्ड मिल चुका है, 40 डायमंड हनी और एक जो ग्रास जैसा कुछ लग रहा था, घास जैसा, तो हो गया भाई। चलो फिर से घास सफाई करने को बोल रहे हैं, नया जगह मिला, मतलब जितना बार आप चैप्टर ख़त्म करोगे तो नया आइडिया आपको मिलेगा। तो वहाँ अच्छा ये कुछ नया है, तो बेसिकली ये बताएगा कैसे कैसे बचना है, सर्वाइव करना है, क्या चीज़ सबको जुगाड़ करना है, तो वही है मतलब बता रहा है सब कुछ। ठीक है चलो, ख़त्म हो गया बकना। तो ये आपको पीना है, अच्छा पानी था, सही है, स्टैमिना मिलता है इससे, बहुत बढ़िया। तो जूस कैसे, तो पानी क्यों बोलेंगे भाई, जूस कह सकते इसको, वाटर फाउंडेशन है भाई, तो पानी पीने का जगह। चलो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तो पिया हूँ फिलहाल, तो बाद में पियेंगे। पहले ही क्या बनाना है, बताए हनी, अच्छा ऐसा मधु बनेगा, क्या बात है भाई।
लो, अपग्रेड करना बोलते हैं, कर लेता हूँ। और भाई सच्ची में अगर हम लोग भी, अगर एक हनी एक ऐसा चीज़ है भाई जो आपको भूख को मार देता है, और आपको जो एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होता है आप उसको भी खा के बच सकते हो जंगल में। ऐसा मैंने कहीं सुना है, आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये गेम में दिख रहा है मेरे को बहुत बढ़िया है, उस आइडिया को यहाँ पे लगाया इसलिए क्योंकि आप छोटा बन चुके हो इंसान हिसाब से, तो माइक्रो साइज़ के आ चुके हो और आपको बचने के लिए कुछ खाना होगा तो आपको कीड़े मकोड़े खा नहीं सकते या कुछ घास वगैरह, तो आपको मधु जो है हनी है तो उसको आप ये कर सकते हो। तो बढ़िया आइडिया लगा इस गेम में, अच्छा लगा मेरे को। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, इसको अपग्रेड करने बोल रहा था, फटाफट कर रहा हूँ जो भी इसमें कह रहा है, फटाफट में कर रहा हूँ सर्वाइव करने के लिए। तो बेसिकली आपको बता देगा आपको एक के बाद एक क्या अपग्रेड करना होगा, क्या कुछ करना होगा, तो मतलब फुल एक गेम है सर्वाइवल क्राफ्टिंग प्लस आपको स्ट्रेटजी जो है, तो इस तरह का रहेगा गेम, तो आप खेल सकते हो। और इस गेम को खेलने के लिए भाई आपको भाई मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि इसका जो 3D वाला इफेक्ट लग रहा है मेरे को बहुत बढ़िया है भाई, 3D इफेक्ट लग रहा है मेरे को। मेरे को देखना पड़ेगा और थोड़ा अगर जूम करके देख सकते हो हर एरिया को तो बढ़िया आएगा। जो नाम लिखने को बोल रहा है भाई, सो नाम लिख देते हैं अपना, देखता हूँ पहले नाम अवतार ही दे देता हूँ। चलो नाम रख चुका हूँ, नाम दे चुका हूँ भाई, तो ये है मेरा। तो ये सारा अनलॉक होगा एक के बाद एक, तो अभी तक मैंने, अच्छा ये तो हो गया ऑलरेडी कलेक्शन। तो चलो पहले भाई क्लेम कर लेता हूँ, ये कुछ ग्रेनेड जैसा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्या चीज़ होगा, देखेंगे। सो ओके, अब रिपेयर फ्रेंड, अच्छा फिर से रेलिंग को रिपेयर करने को बोल रहा है, फटाफट कर लेता हूँ। लो भाई हो गया ख़त्म भाई, एरिया बढ़ जैसा रहा है ना, मस्त लग रहा है लेकिन। तो चैप्टर 2 सर्वाइव ख़त्म, अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर 3 की तरफ। ये क्या है, बग ट्रेनर, अच्छा कीड़े को ट्रेनिंग देने का अभी आ चुका है समय। चलिए पहले जगह साफ़ कर लेता हूँ, मस्त बन चुका। क्या हो रहा है, ट्रैप्ड हो गया, अच्छा बचाने को बोल रहा है, नया चीटी साथी मिला है भाई, बचाना है, बढ़िया है। तो इनको बचाएंगे तो मेरा साथ रहेगा भाई, तो ये रहेगा मेरा सेना सर, बढ़िया है भाई। उत्तरी सारा गियर मिल गया भाई, A to Z एक ही बार में, मस्त है यार, अलग से मतलब क्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा चेक करके, ये सही है, एक साथ ही कर लो। कि इसको वो फाइट करने को बोल रहा है, डिफेंड करना मेरे को, ये कौन सा है भाई, ये चूज रहा है क्या कर रहा है, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आया भाई लेकिन जो भी दम मजा आया फाइटिंग ऐसा होगा। तो इसको रिपेयर करने का फैक्ट्री था, देखा नहीं, चलो देखेंगे क्या काम करते हैं। कटिंग मशीन, बढ़िया है वो तेरी भाई, ब्लेड वाला कटिंग मशीन, कब मस्त आइडिया लगाया भाई इस गेम को बनाने में, मजा आ गया भाई ये कटिंग करने वाला मशीन फैक्ट्री है, जो घास का पत्ती वगैरह जो लाएगा उसको कटिंग करेगा, सही है मटेरियल्स के लिए। तो चलो फटाफट एक बना दिया, एक और मशीन बनाने लगता है शायद, कितना बोल रहा है, लेवल 4 का 2 बनाना है, फटाफट कर लेते हैं। तो गाइस बना चुका हूँ, अपग्रेड कर देता हूँ। सो गाइस जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत शुक्रिया भाई दिल से, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ भाई कर लो भाई, आराम से कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन भाई सपोर्ट करो भाई, और प्लीज़ एक लाइक कर दो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो, ऐसे ही मैं नया नया गेम वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। सो गाइस आगे देखते, तो इसको भी अपग्रेड करना है तो उसको भी कर लेते फटाफट। तो फिलहाल ही फाइटिंग वगैरह वैसा कुछ शुरू नहीं हुआ है, एक छोटा सा फाइट हुआ था जो अपना डिफेंड करने के लिए बेस को किया था, आगे चल के देखेंगे कि और फाइट करना है दूसरे कोई रहेगा ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, मैंने देखा है कि इस गेम में मल्टीप्लेयर की ऑप्शन है जब डाउनलोड किया था, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, अभी तो अपग्रेड ही चल रहा है सब कुछ बेसिकली, अपना सेटअप कर रहा हूँ, अपना बेस इन्हांस करना है, क्विक इन्हांस, बढ़िया है एक ही बार में सारा हो गया। तो रैंक सिस्टम भी है, रैंक मतलब रहेगा अलग अलग, तो फाइटिंग चलेगा मतलब, बढ़िया। बहुत कुछ अनलॉक करना है तो फटाफट देख लेता हूँ, पहले ये क्या ऑप्शन था, अच्छा ये मेरा रहेगा लीड वरना मतलब सेनापति रहेगा, उसके साथ सारा सैनिक, बढ़िया है 3 तरह का सैनिक रहेगा। तो सेटिंग कर लेता हूँ भाई, थोड़ा हाई रख देता हूँ 60 का, ठीक है, और
सही है सब तो, बाकी चलो हो गया। सो गाइस से कोई नया दिख रहा है एक स्पाइडर, तो इससे फाइट करना पड़ेगा। डिपेंड करना थोड़ा जहरीला लगा है खतरनाक, ब्लैक वुडो है भाई तो उत्तरी भाई, ये तो ख़त्म कर दिया मस्त है भाई, ब्लैक वुडो जैसा लग रहा था भाई, ख़त्म कर दिया। ओके अभी क्या करना है, लेवल 4 करना है, तो अभी तक चल रहा है रिपेयर, तब तक दूसरा कुछ कर लेता हूँ, ये भी नहीं कर सकता हूँ तो इसको जुगाड़ कर लेता हूँ पहले। चलो भाई सारा इकट्ठा कर लिया जो आस पड़ोस में पड़ा हुआ था भाई, ये सामान सारा, इससे 3 तरह का चीज़ मिलता है। कटिंग भाई मस्त काम चल रहा है भाई, चीटी लोग जा रहे हैं ले लेके भाई, ये ब्लेड से कटिंग हो रहा है, क्या लग रहा है यार ग्राफिक, बढ़िया आइडिया लगा इस गेम में भाई। सो गाइस ये रहा मेरा जितना अभी तक का कंप्लीट हुआ बेस भाई, ये वाटर फाउंडेशन अभी तक पानी पिया नहीं है 120 से, चलो पी लिया, उत्तरी एनर्जी मिल गया ना, तो यहाँ से पानी पियाऊंगा तो एनर्जी मिलेगा, क्या बात है। और मेरे को कुछ खाने को नहीं चाहिए, पानी पी के जिंदा रहना है क्या मेरे को। चलो लेवल 4 का हो चुका है अरे भाई, ये ना व्यू वाला ऑप्शन मैंने फट से क्लिक किया तो ऐसा दिखा रहा है भाई, मस्त हो गया भाई ये बात, अब मज़ा आएगा भाई देखने को, अभी सारा घूम फिर के मैं देख सकता हूँ, इसके अंदर घुस नहीं सकेगा क्या, देखता हूँ। चल भाई घुस ले, अरे भाई चींटी तो जा रहा है, मतलब चींटी लोग जा सकेगा मैं नहीं जा पाऊँगा, कोई नहीं घर में तो घुस पाऊँगा। चलो सीढ़ी पे चढ़ के देखता हूँ, तो भाई इनविजिबल है इन लोगों के लिए सीढ़ी, आर पार चला जा रहा है क्या बात है। ओके बढ़िया सेटअप है, तो ये डाइनिंग रूम है, खाने पीने का जगह शायद, लेकिन खाने का सामान कुछ तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या चीज़ का है, बाद में पता चलेगा। तो चलते सेकंड फ्लोर पे, क्या है यहाँ, तो बढ़िया बालकनी जैसा बना हुआ है, मस्त डिज़ाइन बनाया है भाई, ओ भाई साहब क्या मस्त है, ये झूला वाला भाई बेड भाई मस्त आ गया भाई, पत्ती से बना हुआ है, क्या डिज़ाइन किया भाई सबका। जो ये बेड अलमारी, अलमारी खोल भाई, ओ भाई खुल तो नहीं रहा है भाई सब, अच्छा मतलब देखने के लिए यूज़ नहीं कर सकेंगे शायद, पता नहीं अब तो कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है जब करीब जा रहा हूँ तो। तो ठीक है सेटअप तो देख चुका हूँ, तो ये अच्छा ये नीचे में यो नहाने का जगह भाई, क्या बाथटब है भाई नीला वाला पानी, और ये क्या टॉर्च है बड़ा वाला लाइट जैसा जल रहा है मस्त, ओ भाई बढ़िया बनाया घर जो भी है मस्त है, क्या फोटो, मेरा तो फोटो नहीं लग रहा भाई इस कैरेक्टर का, तो चलो आर्टिस्टिक बट फॉर्म मतलब एक स्माइल वाला फेस है सही है। तो ये थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर से मतलब डायरेक्टली आप बेड रूम में जा सकते हो, तो एकदम सबसे ऊपर में आपका बेडरूम रहेगा, मस्त नज़ारा लग रहा है भाई, मस्त सिनारी दिख रहा है भाई यहाँ से। तो इनहेंस कर लिया भाई, बहुत से देख सकते देख रहा था, तो आप इससे खरीदारी भी कर सकते हो, तो ऑप्शन रहेगा आपको डायमंड वगैरह जो है, तो इसमें से मेन चीज़ 3 ही लग रहा है मेरा, डायमंड हनी और अपना जो ग्रास रहेगा मतलब घास का जो सामान मिलेगा आपको काटने के बाद वो रहेगा। तो ठीक है तो गेम का 3 मेन चीज़ है। सो ये इस तरफ से भी एक सीढ़ी मस्त है, ओ भाई कुछ भी कहा हुआ है इस गेम में तो कुछ अलग बात है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, जो ग्राफिक जो लग रहा है ना भाई पूरा 3D वाला इफेक्ट दे रहा है। सो इस तरह भी फाउंडेशन थोड़ा देख लेता हूँ आस पड़ोस घूम के, तो ये क्या है भाई, ये नया वाला कीड़ा, ये लेडी बग था ना, उसमें से कुछ नहीं कर सकते मतलब ऐसे छू नहीं सकते या चढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये मेरा हनी वाला फैक्ट्री है, फैक्ट्री में धड़ाधड़ काम चल रहा है, ये पानी वाला, तो अरे भाई पानी में इसमें भी थोड़ा छोटा वाला घर, चलो अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या मिलेगा देखने को। सो भाई साहब यहाँ भी नहाने का जगह है मस्त बाथरूम बना के रखा है, बाथटब वगैरह और कुछ नहीं है, चलो ख़त्म, और कुछ नहीं और नहीं, तो इतना ही है, अच्छा तो ठीक हो गया। अरे भाई 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 साहब उसका नाम, अरे मेंटोस क्या नाम भूल गया रे यार, सॉरी यार भूल जा रहा था वो नाम, लेकिन मस्त गिरा था भाई, मतलब ऐसे घूम रहा है उससे अब कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये वाला कटिंग वाला आइडिया है, ओ भाई साहब ये देखना था भाई, करीब से देखना भाई क्या काम चल रहा है, सिंपल है ब्लेड लगा हुआ है हाँ, पीछे से उसको अपना आपसे मतलब नीचे गिर रहा है, एक बार चढ़ रहा है तो उसमें कटिंग हो रहा है,
सो फिलहाल मेरा जो देख अभी देखा कि रेलिंग का कंप्लीट नहीं किया, भूल गया था, तो अभी कर लेता हूँ क्योंकि मेरा लेवल अप हो चुका है बेस का। तो ये है कंप्लीट भाई, एरिया बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, बढ़िया है। तो ये चैप्टर 3 वाला ख़त्म, बक ट्रेनर हो गया भाई साहब। बहुत कुछ मिला, नया कुछ चीज़ दिख रहा है, क्या चीज़ है, सैंड वगैरह होगा शायद या मिट्टी। अब इंसेक्ट फ्रेंड, अच्छा भाई अभी दोस्ती करने वाला सीन आ गया है, बढ़िया बढ़िया। ये क्या हो गया, अच्छा गुफा जैसा है, इसके अंदर जाने का डंजन जैसा रहेगा। अच्छा वहाँ जाके आपको फाइट फाइट वगैरह करने को मिलेगा। तो चलो फाइटिंग वाला ऑप्शन आ गया भाई, ऑटो नेविगेशन चल रहा है, चलो सिलेक्ट करके देखता हूँ। फाइट का ऑप्शन दिखाया था भाई, सिलेक्ट चैलेंज, तो दो ही आदमी हम लोग। अच्छा ठीक, मतलब चीट ही नहीं आएगा, जो बग है आपका हेल्पर वही रहेगा आपके साथ साथ ही। भाई ख़त्म हो गया, क्या बात है, पावरफुल है भाई इस। तो चलो खेलते देखता हूँ कितना दूर जा सकता हूँ इसको लेके। जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत तरह का कीड़ा आ रहा है भाई। लिमिट 4 का खेल रहा हूँ फिलहाल, तो एक ही दिखा रहा है लेवल। चलो देखते हैं कितना दूर जा सकता हूँ, मजा आएगा। मतलब जितना इसका उतना हार्ड नहीं है, फाइटिंग वगैरह जो है खेलने में थोड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा ये ऑटोमेटिक करता रहेगा आपको, जुगाड़ करता रहेगा मशरूम वगैरह जो कलेक्ट कर रहा है, मतलब खाने पीने का सामान जो भी होगा। तो ठीक है, और यहाँ पे आपको चैलेंज करना है तो फाइट करने को मिलेगा। लेवल 5 में आ चुका हूँ, थोड़ा डेंजर लग रहा है ये, कोई बात नहीं, अपना भी नया भाई। इसमें तो बढ़िया बढ़िया स्पेशल मोड भी है, यूज़ कर रहा है, मैंने अभी फॉलो किया है। ऑटो मोड में रखा हुआ भाई, इसमें ऑटो मोड का ऑप्शन था, तो बार बार मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा, टच नहीं करना पड़ेगा मारने के लिए, अटैक करने के लिए। तो ऑटो मोड में छोड़ दो, बस अपने आप होता रहेगा, बढ़िया है। यो भाई साहब लेवल 6 पे आ चुका हूँ, ये ख़त्म और एक, ओ चलो भाई क्लियर। तो लेवल 6 तक पहुँच चुका हूँ, लेवल 7 पे आ चुका हूँ, अभी देखता हूँ इसमें से पार कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि इसमें तो दिखा रहा है नहीं हो जाए, हो नहीं सकता है, देखता हूँ, पावरफुल नहीं होगा यार। ख़त्म हो चुका हूँ, मेरा अवतार मर चुका है, मेरा जो कीड़ा है वही है बचा हुआ है, बीटल। तो ठीक है, इतना दूर तक था, लेवल 7 तक आ चुका हूँ, तो इसका कुछ अपग्रेड दिखा रहा है शायद, अपग्रेड कर सकता हूँ। तो चलो लेवल 5 वाला है, तो फटाफट लेवल अप कर लेते हैं, 20 तक जा सकता हूँ मैक्सिमम। तो सारा ख़त्म कर दूँ क्या, नहीं ठीक है, जो भी है, और जितना कितना बढ़ सकता हूँ 20 तक। अच्छा ये एवोल्यूशन कर सकते हैं, अच्छा मतलब इसको और इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसको पावरफुल बना सकते हैं, और इसमें नीचे आपको डिप्रेशन मिल जाएगा, और इसका नाम है लॉन्ग हॉर्न स्टैग बीटल, नाम से पता चल रहा है लंबे वाले सिंह है इसका, इसीलिए इसका लॉन्ग हॉर्न है। और भाई एक और अवेलेबल दिखा रहा है जो इसको ले सकते हैं, स्पॉटेड लेडी बग है शायद नाम, हाँ। तो अच्छा ये अच्छा लेवल का, 150 लेवल का, तो भाई साहब एक्सचेंज कर चुका और मिल चुका है, बढ़िया वाला है भाई, ज़्यादा पावरफुल वाला नहीं है लेकिन फिर भी बढ़िया है, दिखने में बहुत क्यूट है भाई, बहुत प्यारा कलर है, मेरे बहुत पसंदीदा कलर है। चलो लेडी बग मिल चुका है और बीटल भी है साथ में, तो अब भी देखता हूँ, अभी तो लेवल 7 आराम से क्रॉस करूँगा। चलो भाई चैप्टर 4 का आपको खत्म होने वाला है, तो भाई नया चीटी मिल चुका है रेस्क्यू करने के लिए, फटाफट कर लेता हूँ ना, थोड़ा बढ़ाना है आर्मी बनाने के लिए, मिल चुका है थोड़ा ज़्यादा, तो इन्हेंस कर लेता हूँ, इसमें दिखा रहा है ऑप्शन फटाफट। सो कुछ इस तरह का है गेम भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो प्लीज़ भाई लाइक कर दो भाई, सपोर्ट चाहिए आपको, एक लाइक कर दो तो बहुत अच्छा लगता है भाई, और वीडियो बनाने की थोड़ा इच्छा होती है, तो प्लीज़ भाई एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है इस चैनल को भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से भाई। सो गाइस आपको कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है इस गेम के बारे में बताना प्लीज़, कमेंट करना एक करके बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जितना भी सब्सक्राइबर हो मेरे, तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा,
एंड भाई नया कुछ दिख रहा है, बग सेंटर बोल रहा है। अच्छा ये आया भाई ग्रेनेड वाला ऑप्शन, तो ये दिखा रहा है मतलब ये पकड़ने वाला कुछ सिस्टम रहेगा तो इसमें बता रहा है, तो चलिए देख के जाके। अच्छा फ्री कैप्चर एक है, एक ग्रेनेड फ्री में मिला है और दो मेरे को मिला है ऐसे ही जो अपना ये क्विस्ट कम्प्लीट किया था उसमें। तो ठीक है तो पहले इसको अच्छा यहाँ टच करने को दिखा रहा है। ओ भाई ये स्पाइडर वेब फेंका तो ये पर्पल कलर का दिख रहा है, मतलब अच्छा ही होगा। अरे भाई क्या बात है, ज्वेल बीटल, ये बीटल मिला है। अच्छा ज्वेल बीटल तो एसआर वाला लेवल दिखा रहा है, मतलब सही है। तो एक और करते, अभी तक दो है और यूज़ करके देख लेते हैं क्या क्या मिलता है, फिर बाद में 10 का कंप्लीट करके एक ही साथ तक ये करूँगा, समन करूँगा। तो ये थोड़ा ब्लू दिख रहा है, मतलब नहीं वैसा कुछ ही नहीं है, लो क्वालिटी माल है मतलब, लेकिन चलेगा भाई। इसमें थोड़ा ये वाला है एम्परर भाई, क्या नाम है, ब्लू एम्परर ड्रैगन फ्लाई। और एक है भाई बचा हुआ, तो कर लेते यूज़, देख तो कुछ अच्छा वाला ही मिल जाए, अच्छा वाला मिल जाए। ओ भाई साहब मिला मिला, फिर से पर्पल कलर का आया। ओ भाई ये सही था, मास किलर क्राइमसन क्या नाम है भाई, सॉरी मेरा प्रोनाउंस बहुत भाई बुरा है। सो गाइस कुछ इस तरह का एक गेम, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना भाई। तो इस तरह आपको गेम और नया नया गेम लाते रहूँगा आपके लिए, तो देखते रहना मेरे चैनल को भाई, और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ भाई कमेंट कर दो। आप लोग अगर कमेंट नहीं करते हो या लाइक नहीं करते, मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और हाँ मैं बहुत जल्द और बाकी दो जो गेम है डाउनलैंड्स और वन पंच मैन जो है उनका भी एपिसोड लाने वाला, तो प्लीज़ देखते रहिएगा, स्टे ट्यून। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।